नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खास वीडियो जिसमें आप जानेंगे भारतीय राजनीति के युवा नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म 4 जनवरी 1978 को हुआ था। वो हरियाणा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। इससे पहले वे 3 बार रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं। अपने 15 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने इस क्षेत्र में अनेक विकास कार्य करवाए। हुड्डा की प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो IIT कैंपस का विस्तार करवाने के साथ साथ उन्होंने रोहतक में IIM व झज्जर में भारत के सबसे बड़े कैंसर संस्थान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया और लगभग 5500 एकड़ में IMT की स्थापना करवाई, जिसमें मारुति सुजुकी, एशियन पेंट्स, अमूल मिल्क और सुजुकी मोटरबाइक्स जैसी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने करीब 5500 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया है। दीपेंद्र हुड्डा ने अपने लोकसभा क्षेत्र में FDDI और IHM को स्थापित करवाने में भी केंद्रीय भूमिका निभाई है। दीपेंद्र हुड्डा अपने परिवार की 4थी पीढ़ी के नुमाइंदे हैं जो सार्वजनिक सेवा में रही है। उनके पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सांसद रहने के अलावा 2 कार्यकालों तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, जबकि उनके दादा स्वतंत्रता सेनानी रणबीर सिंह संविधान सभा के सदस्य और रोहतक के पहले व दूसरे लोकसभा सांसद रहे। उनके परदादा चौधरी मातूराम उत्तर भारत में आर्य समाज के प्रभावशाली नेता थे। 2005 में राजनीति में प्रवेश करते समय दीपेंद्र हुड्डा सबसे युवा सांसद थे। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके बाद वे लगातार 2009 व 2014 में सांसद चुने गए। सांसद रहते हुए वे न केवल विभिन्न स्थायी और संसदीय समितियों के सदस्य रहे बल्कि लोकसभा में कांग्रेस के व्हिप भी रहे। सन 2020 में वे राज्यसभा के लिए चुने गए। बीटेक, MBA और कानून की डिग्री हासिल करने वाले दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने राजनीति में प्रवेश करने से पहले भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न कंपनियों में काम किया। टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल्स एंड साइंसेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद दीपेंद्र ने केली स्कूल ऑफ बिजनेस इंडियाना यूनिवर्सिटी से फाइनेंस एंड स्ट्रेटजी में MBA की। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की। दीपेंद्र ने अपने प्रोफेशनल कैरियर की शुरुआत रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से की और फिर इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम किया। वे अमेरिकन एयरलाइंस सेबर होल्डिंग्स में सीनियर मैनेजर के रूप में भी कार्यरत रहे। 2010 में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सांसद के रूप में किए गए उनके कार्यों के लिए MIT के भारत अस्मिता जन प्रतिनिधि श्रेष्ठ पुरस्कार से नवाजा गया, जबकि 2011 में वे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड के लिए नामित हुए। 2019 में दीपेंद्र सर्वश्रेष्ठ सांसद चुने गए। दीपेंद्र हुड्डा ने श्वेता मिर्धा से विवाह किया है जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता नाथुराम मिर्धा की पोती है। उनका एक छोटा सा बेटा है जिसका नाम केसरवीर है। बेहद संयमित और समर्पित जीवन चरित्र के धनी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की सफलता की कहानी निश्चित तौर पर प्रेरणादायी है, जो न केवल राजनीति में बल्कि प्रबंधन और शिक्षा के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए भी खास पहचान बना चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया अपनी राय साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।